Hello friends, welcome to Riya's classes. In today's session, we will study about the topic Functions of Organizational Structure. This topic is part of Unit 17 Organizational Culture and Climate of the Subject Organization Theory and Behaviour MCO 1 M.Com 2nd year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe. सो दैट यू वोट मिस आउट ऑन वॉचिंग एंड लर्निंग फ्रॉम माई वीडियोज चलिए शुरुआत करते है आज के टॉपिक की जो की है फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर सो अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से ही एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन इट स्टिक्स टुगेदर एज वन ठीक है जो भी कल्चर होते हैं जो भी नॉर्म्स होते हैं वो सारे जो हैं सब कुछ मिलके जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों को क्या करता है वो एकजुट करके रखता है ठीक है सो so, आज के टॉपिक में हम फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अगर हम बेसिक फंक्शंस की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के तीन बेसिक फंक्शंस होते हैं पहला जो बेसिक फंक्शन है दैट इज इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर मेंबर्स ठीक है यानी कि जो भी मेंबर्स है जितने भी मेंबर्स है जो भी इंडिविजुअल्स है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन लोगों को इट विल प्रोवाइड अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी की भाई हम जो है एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं जिसका कल्चर बहुत ही ज्यादा अच्छा है ठीक है so, सो एक एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वगैरह आ जाता है एक सेंस ऑफ प्राइड आता है एक ऑर्गेनाइजेशन के सार, सारे लोगों के मन के अंदर से, ठीक है सो इट काइंड ऑफ अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी सेकेंड इज इट एनहेंसेज कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन मिशन ठीक है सो so, जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स बनाए हैं जो भी गोल्स हमें अचीव करना है उसके लिए थोड़ा और जो कमिटमेंट लेवल जो है वो आपका बढ़ जाता है जब जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो स्ट्रांगली जब फॉलो किया जाता है एंड फाइनली इट क्लैरिफाइज एंड री द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर ठीक है सो so, वो क्लैरिफाई करता है और री करता है ठीक है सो अगर कोई बंदा भूल कि भाई हमें ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए तो बाकी लोग उसको बता देते हैं क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो सभी लोगों को पता है ठीक है सो अगर कोई बंदा भूल जाता है किसी को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो वो क्लैरिफाई कर लेगा कि भाई हमें जो है ये सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने हैं उसके अलावा जो स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर है उसको बार 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 रिपीट करते डेली जो डेली बेसिस पे आप कुछ भी रिपीट करो रि इन्फोर्स कर

एबीसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते और वहां का कल्चर है कि भाई आप जो है एकदम फॉर्मल में आओगे सूट कोट पहन के आओगे बात जो है एकदम इंग्लिश में करोगे काम जो है इस प्रकार से होगा एकदम शार्प टाइम में आना पड़ेगा मतलब जो भी चीजें हैं जो भी छोटी छोटी चीजें ये सारे चीज़ें जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर का पार्ट जो है धीरे धीरे चला जाता है प्लस ऑर्गेनाइजेशन में डेमोक्रेसी कितने लेवल की है क्या जो है सबॉर्डिनेट जो है अपनी राय वगैरह दे सकते हैं सो so, ये सारी छोटी चीजें मिलकर सब कुछ मिलकर ये जो है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बन जाता है और अगर अगर आप इसको डेली 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 बेसिस पे रिपीट करते जाओ तो क्या हो जाता है वो एक वो जो स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर जो है वो बार बार री होता चला जाता है और वो आपके Daily habit की तरह बन जाता है, है? ठीक so, ये आपके ठीक है? है, की अगर हम बात करें, so, basic functions जो है, आपके ये तीन रहेंगे इसके अलावा एक था चाइल्ड so, ने क्या दैट कल्चर इज वन ऑफ टूल्स ऑफ कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजेशन सो चाइल्ड ने ये बोला कि भाई जो जो हमारा ये होता है जो कल्चर होता है उससे जो है हम क्या कर सकते हैं वो एक काफी स्ट्रेटेजिक टूल है हम जो है ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज कंट्रोल करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की मदद ले सकते हैं सो so, इनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू हिम कल्चरल कंट्रोल हेल्प्स इन फोर एरिया ठीक है सो इनके हिसाब से अगर आप कल्चरल कंट्रोल्स लगाओ ठीक है कंट्रोल्स लगाओ ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर तो आप जो है they can help you in all these four areas kon kon se four areas are first area is development of strong identification with management goals theek hai jab ab jab aapka culture jo hai aur strongly reinforced hota chala jata hai to kya hota hai to ek jo hai sense of ek strong sense of identification hota hai आपको पता रहता है कि मेरे को ये goal achieve करना है किसी भी हालत में Next is development of semi-autonomous working With few formal controls. तो हम जरूरी नहीं है की सारे के सारे कंट्रोल्स सेमी ऑटोनोमस काम जो है हम फ्यू फॉर्मल कंट्रोल्स के साथ भी कर सकते हैं ऐसा डेवलप हम कर सकते हैं देन नेक्स्ट इज हैविंग स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन सिलेक्शेड ट्रेडिंग एंड डेवलपमेंट जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है लोगों का उन सब में हम प्रॉपर तरीके के लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे लोग जो हमें लगता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ फिट बैठे ठीक है फिट आपने वर्ड सुना होगा कि फिट ऑर्गेनाइजेशन हम हमारा जो गोल्स प्लान्स वगैरह है हमारा जो जो भी हमारा अपने लिए हमने जो गोल्स बना रखे हैं वो जो है उसका एक फिट होना चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ ठीक है so, सो यहाँ पे इसकी मदद से अगर आप कल्चर को अगर आप यूज करो एज अ टूल ऑफ कंट्रोल तो आप जो है आप सिलेक्शन ट्रेनिंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल यानी कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स रिसोर्स को आप जो रिक्रूट कर रहे हो उसको जो है आप ढंग से रिक्रूट कर पाओगे and finally having reward oriented climate towards security of tenure and career ठीक है तो इसकी वजह से se hr वालों को बहुत मदद होती है एक तो सिलेक्शन वगैरह में फायदा होता ही होता है इसके अलावा एक reward oriented climate जो है वो बनाने में आपको फायदेमंद होगा ठीक है ताकि लोग जो है इतने career लाइक फॉर एग्जाम्पल तीन साल वाले लोग हैं जिन लोगों का तीन साल का एक्सपीरियंस है वो हम बोलेंगे कि ये लोग अगले प्रमोशन के लिए एलिजिबल है ठीक है तो ऐसे इस तरीके से डिफरेंट स्टैंडर्ड्स आप बना दोगे तो करियर प्रोग्रेशन में भी लोगों को जो है किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी सो so, अभी जो है हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें ही सुन रहे हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बहुत ही ज्यादा फायदे हैं ना चाइल्ड ने भी बहुत सारे फायदे बता दिए इसके अलावा हमने बहुत सारे बेसिक फंक्शंस भी देखे जिसमें भी हमें फायदे ही फायदे नजर आ रहे हैं ठीक है सो हवेवर देयर इज अनदर साइड ऑफ दिस कॉइन इफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैन कैन बी एन एसेट समाइम इट मे ऑल्सो बिकम लाइबिलिटी तो ठीक है हमने इतनी देर तक हम पॉजिटिव चीज ही देख रहे थे बट क्या वो ये इज इट ऑल पॉजिटिव ठीक है इसमें कुछ ना कुछ जो है नेगेटिव चीजें भी हैं ठीक है ठीके? और इस नेगेटिव चीजों के कारण ये देखो पॉजिटिव चीजों से कोई भी चीज हमारे लिए एसेट बन जाता है बट नेगेटिव अगर कोई चीज हो तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है भाई वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाता है ठीक है so, सो यहाँ पे जो है हम कुछ ऐसे चीजें देखेंगे देर आर डिसनल इफेक्ट ऑफ कल्चर स्पेशली अट्रॉन्ग वन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस ठीक है अब कल्चर कल्चर हम कर रहे हैं कल्चर फॉलो करना भाई बहुत अच्छी बात है ठीक है उसके उसके जो फायदे तो बहुत है बट उसके कुछ नुकसान भी अगर आप कल्चर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली आप अगर इसको ज्यादा ही इंपॉर्टेंस तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली इसको फॉलो करो तो क्या होगा भाई इसके कुछ ना कुछ जो है साइड इफेक्ट्स भी होते हैं थोड़ा सा इसको आ, अगर आप देखें तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इफेक्टिवनेस है इफेक्टिवनेस यानी कि जो भी काम करने की क्षमता है जो जो भी हमारा गोल हमारे सामने जो है उस गोल को अचीव करने की जो क्षमता है वो सारा इफेक्टिवनेस काम का इफेक्टिवनेस वो जो है उसको ही इफेक्ट करता है सो so, कुछ ना कुछ हमारे पास थोड़े से बैरियर्स हैं जो कि एक स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को फॉलो करने के कारण होता है ठीक है सो अब हम कुछ बैरियर्स देखेंगे ये कौन से बैरियर्स है ये बैरियर्स उन ऑर्गेनाइजेशन में आपको दिखेगा जहां पे जो कल्चर है उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली फॉलो किया जाता है ठीक है सो फर्स्ट वन इज बैरियर टू चेंज तो फर्स्ट वाला बैरियर हमारा कौन सा है वो है बैरियर टू चेंज कंसिस्टेंसी ऑफ बिहेवियर इज एन एसेट टू एन ऑर्गेनाइजेशन वेन इट फेसिस अ स्टेबल एनवायरमेंट इट मे हव एवर वर्ड इन दर्गेनाइजेशन एंड मेक इट रिस्पॉन्ड इन द एनवायरमेंट यानी कि कहने का मतलब है कि जब जो है तो ठीक है आपका जो कल्चर आप फॉलो कर रहे हो वो सिचुएशन के लिए सही है बट एकदम से जब है एकदम से क्या होता है एकदम से जब सिटुएशन चेंज आ जाता है कोई भी एनवायरमेंट में कोई भी चेंज आ गया कोई पोलिटिकल एन्वायरमेंट चेंज हो गया कोई टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट चेंज हो गया एकदम से कोई चेंजेस आ जाता है ना जब मार्केट में तो क्या होता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट में कोई भी चेंजेस आने के कारण जो है ये इसका जो है ये जो हमारा कल्चर को जो हम पकड़ के चल रहे हैं वो हमारे लिए बर्डन बन जाता है कभी कभार नेक्स्ट वन इज बैरियर टू डाइवर्सिटी स्पेशली इन मल्टी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशल बैकग्राउंड में ब्रिंग डाइवर्स स्ट्रेंथ टू द the workplace. अब आजकल आप देखोगे आजकल क्या है पहले जमाने की तरह नहीं है कि भाई यहाँ के लोग जो है जैसे कोई भी शहर ले लो दिल्ली के लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं बॉम्बे के लोग बॉम्बे में काम कर रहे हैं पहले जमाने की तरह ऐसा कुछ नहीं है ना अब सब कुछ ओपन हो, हो गया भाई यहाँ का लोग वहां काम कर रहे हैं वहां के यहाँ काम कर रहे हैं हम लोग विदेश में काम कर रहे हैं मतलब अब क्या हो गया है और पूरा का पूरा कल्चरल डाइवर्सिटी हो गया मल्टी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का हो गया मल्टी कल्चरल ठीक है अब मल्टी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण क्या हो गया है कि यहाँ पे डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के लोग हमारे पास है ठीक है डिफरेंट कल्चर से लोग हैं डिफरेंट स्टेट से लोग हैं ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट भगवान को फॉलो करते हैं डिफरेंट कल्चर को फॉलो करते हैं उनका ड्रेसिंग स्टाइल डिफरेंट है उनका खाना पीने का स्टाइल डिफरेंट है वो उनको लैंग्वेजेस बहुत सारी आती हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले लोग हैं बट ये लोग अपना अपना डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट स्ट्रेंथ भी लाते हैं ठीक है ठीके? काफी सारे इतना सारा जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव करने से मतलब है तो ऑर्गेनाइजेशन ने बेस्ट लोग चुने हैं और ये बेस्ट लोग पूरे इंडिया से है ठीक है so, सो अब ये जो है डिफरेंट कल्चर के लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग हैं अब इन सब के बीच में अगर आपका जो है अब एक अब आप कोई एक कल्चरल बैकग्राउंड को एक स्ट्रॉगली फॉलो करोगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो जो है उसका कभी जो जो है नेगेटिव इफेक्ट है आपको दिखाई देने लगेगा ठीक है दीज डाइवर्स स्ट्रेंथ एंड बिहेवियर्स आर लाइकली टू डिमिनिश इन स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ड्यू टू स्ट्रॉग प्रेशर फॉर कन्फॉर्मिटी अगेन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में बिकम क्रिएट्स इंस्टीट्यूशनल बायस और पेचुएट्स इन सेंसिटिव अप्रोच टू पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैग ग्राउंड ठीक है सो यहाँ पे जो है क्या पता कोई ऐसा कल्चर फॉलो हो रहा हो कि कोई एक रिलीजियस कल्चर फॉलो हो रहा हो ऑर्गेइजेशन में है ना क्या पता ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिलीजियस कल्चर फॉलो हो रहा हो और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे कल्चर के लोग गए दूसरे रिलीजियन के लोग गए तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा भेदभाव हो सकता है यहाँ पे जो है इम्बेलेंस हो सकता है भेदभाव हो सकता है बायस हो सकता है तो अगेन दिस इज वन ऑफ द बैरियर एक बैरियर ये बन गया हमारे लिए ठीक है हमारा मतलब स्ट्रांगली कल्चर को फॉलो करना भी वो हमारे लिए ही नेगेटिव इम्पैक्ट करता है क्योंकि जो दूसरे कल्चर फॉलो करते हैं वो लोग गुस्सा हो जाएंगे कि भाई तुम लोग ऐसे ऐसे अपने कल्चर फॉलो करते हो ये गलत बात है ऐसे करके क्या हो जाएगा ऐसा एम्प्लॉय भी खुश नहीं रहेगा मतलब तो बड़ा ही झगड़ा हो जाएगा कहने का मतलब है बैरियर टू डाइवर्सिटी एंड द थर्ड इज बैरियर टू एक्विजीशन एंड मर्जर अब यहाँ पे एक्विजीशन एंड मर्जर के टाइम पे देर इज हाई डिग्री ऑफ कल्चरलेशनल कल्चर यूनिक कल्चर फॉर द न्यूली इमर्ज ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हो आप देखो मर्जर वगैरह होते हैं दो ऑर्गे बैंक का भी देखो जैसे मर्जर हो रहा है तो किसी बैंक में कोई तरीके का कल्चर होगा दूसरे बैंक में दूसरे तरीके का कल्चर होगा बट ये जब दोनों मिलते हैं ना तो थोड़ा सा क्या होता है थोड़ा सा दोनों कल्चर जब आपस में भिड़ते हैं तो यहाँ पे जो यहाँ पे मेनली ये देखा जाता है कि हम एक नए स्ट्रांग कल्चर को लाए ठीक है एक ऐसा कल्चर जो कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को इट विल एक्ट एज ए नंबर एल ठीक है जहाँ पे दोनों कल्चर जो है वो इक्वली जो है इक्वली uh, जो है रह सके ठीक है एक साथ रह सके बट यहाँ पे अगर देखो एक कल्चर स्ट्रांग है बहुत ज्यादा स्टबर्न है तो उस केस में आपको दिक्कतें जरूर आएंगी तो अगेन अगर आप एक पे ही अड़े रहोगे स्ट्रांगली अपने कल्चर पे ही अड़े रहोगे दूसरे का सुनोगे ही नहीं कि भाई दूसरे का कल्चर क्या है थोड़ा सा ऐसा नहीं करोगे तो जो ऐसे मर्जर एक्जिशन टाइम पे जो है आपको बहुत दिक्कतें आएगी सो so, जैसा कि आपने देखा कि फंक्शन जो है फंक्शन हम पढ़ रहे हैं कल्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का फंक्शन में सारा पॉजिटिव चीजें बट कुछ नेगेटिव चीजें भी होती है अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे स्ट्रांगली कल्चर फॉलो होता हो वहाँ पे जो है देर विल बी बैरियर टू चेंज बैरियर टू डाइवर्सिटी और बैरियर टू एक्विजीशन एंड मर्जर इस तरीके से तीन तरीके से बैरियर जो है हमें देखने को मिल सकता है सो दैट्स एड फॉर दिस सेशन आज के सेशन में हमने फंक्शन ऑफ तो ऑर्गनाइजेशन ऑर्गनाइजेशनल कल्चर देखा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रिया क्लासेस थैंक यू एंड बाय बाय